दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं यूट्यूब एडवाइज़र। तो इस वीडियो के अंदर बात करें हम मेटा डाटा के बारे में, आखिर क्या है मेटा डाटा का इंपॉर्टेंस आपकी वीडियो के अंदर, आपकी चैनल ग्रो के लिए वो कैसे सपोर्ट करता है, आपकी वीडियो को रैंक करने के लिए कैसे सपोर्ट करता है मेटा डाटा, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। साथ में दो तीन टिप्स भी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं मेटा डाटा किसे कहते हैं। तो मेटा डाटा ऐसा होता है जो आपके मेन डाटा को सपोर्ट करता है, यानी कि आपके कंटेंट को सपोर्ट करता है। आपने कुछ वीडियो बनाए हैं किसी कंटेंट के ऊपर, अब वो कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना है, व्यूवर्स तक पहुंचाना है, तो आपको सपोर्ट चाहिए मेटा डाटा का। तो मेटा डाटा के अंदर सब होता है, एक तो थंबनेल, दूसरा आपका टाइटल, तीसरा डिस्क्रिप्शन और नंबर चार है आपका टैग। ये चार चीज़ें आपके सही से होगी तो आपका वीडियो जो है व्यूवर्स तक पहुंच पाएगा, वरना व्यूवर्स तक आपका वीडियो पहुंच नहीं पाएगा। अगर आपकी क्लिकेबल थंबनेल है तो व्यूज़ आएंगे, अगर आपका टाइटल सही है तो भी आपके व्यूज़ आएंगे, डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से लिखा है तो भी व्यूज़ आएंगे, और चौथा जो टैग है वो भी सही से लगाए हैं तो आपके व्यूज़ आएंगे। मतलब चारों चीज़ जो मेटा डाटा के अंदर इंक्लूड है उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके वीडियो के अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंस जानते हैं। देखिए, जैसे आप यूट्यूब के ऊपर सर्च बार में जाते हैं, सर्च बार में कुछ लिखते हैं, कुछ फाइंड करते हैं, जैसे मैंने सर्च किया हाउ टू चेंज चैनल URL और किसी एक ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया तो बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं। अब व्यूवर्स जो है वो क्या करता है, स्क्रॉल अप करता है और देखता है, अगर उसको उसके दिमाग में जो कीवर्ड्स है, जैसे मेरे दिमाग में अभी कीवर्ड्स है, आपको यूट्यूबर की तरह नहीं सोचना है, आपको व्यूवर्स की तरह सोचना है। जैसे मैं व्यूवर्स हूँ, मैं अपनी यूट्यूब चैनल है मेरी, तो मैं उसको चैनल को जो भी मेरा जो URL है उसे चेंज करना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में कीवर्ड्स होगा चेंज URL। अगर वो चेंज URL नाम का जो कीवर्ड्स है वो टाइटल में मुझे नहीं मिला तो मैं उस वीडियो पर क्लिक नहीं करने वाला। अगर वो कीवर्ड्स मुझे थंबनेल में नहीं मिला तो भी मैं आपकी वीडियो को क्लिक नहीं करने वाला। अगर मैंने आपकी वीडियो को स्क्रॉल अप करके नीचे चला गया तो YouTube का अल्गोरिदम ये समझ जाता है कि व्यूवर जो है आपकी वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है और दूसरी बार आपकी वीडियो सर्चिंग में नहीं आएगी। यानी कि बेस्ट थंबनेल लगाना है और टाइटल भी अच्छा लगाना है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छा लिखना है और टैग भी अच्छी तरह से डालना है। अब ये चार जो मेटा डाटा है उसमें सबसे पहले किसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो चलिए मैं आपको बारी बारी सब समझाता हूँ। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलिए पहले मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ टैग को। टैग ही ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपने सही से कीवर्ड्स लगाया होगा तो आपकी जो वीडियो है वो सर्चिंग में आएगी। चलो, टैग का काम खत्म हो गया कि आपकी वीडियो को उसने सर्चिंग में ला दिया। दूसरा काम होता है थंबनेल का। अगर आपने थंबनेल ठीक से नहीं लगाएगी तो व्यूवर्स जो है आपकी थंबनेल को क्लिक नहीं करेगा, यानी कि क्लिकेबल थंबनेल नहीं होगी तो आपकी चैनल पे व्यूज़ नहीं आएंगे। अगर आपने क्लिकेबल थंबनेल लगा दी तो मतलब व्यूवर जो है आपकी वीडियो के अंदर आ गया। दूसरी बात यह होती है कि अगर आप मोबाइल के ऊपर हो तो टाइटल पूरा नहीं दिखता है, टाइटल आधा ही दिखता है, और जो व्यूवर जो है जिसके दिमाग में जो कीवर्ड चलता है वो कीवर्ड्स अगर टाइटल के स्टार्टिंग में उसको नहीं मिला तो आपकी वीडियो को स्किप कर देगा या फिर स्क्रॉल अप करके नीचे चला जाएगा। यानी कि आप जब भी टाइटल लगाओ, टाइटल का जो कीवर्ड्स है मेन जिसके ऊपर आपने कंटेंट बना है उसको टाइटल के स्टार्टिंग में रखो, ताकि थंबनेल के बाजू में आपका टाइटल क्लियर दिखाई दे, ताकि व्यूवर जो है उसे तुरंत क्लिक कर ले, क्योंकि वो कीवर्ड्स उसके दिमाग में चलता है, वो वही कीवर्ड्स को ढूंढता है। चलिए, तो तीसरी बात आती है डिस्क्रिप्शन में। तो जब भी आप देखेंगे तो मोबाइल हो या कंप्यूटर के ऊपर डिस्क्रिप्शन की दो तीन लाइनें दिखती है, तो आपको क्या करना है, आपने जो कंटेंट बनाया है उसके रिलेटेड जो भी आप चीज़ समझाने वाले हो डिस्क्रिप्शन में ऊपर की दो लाइन में लिख दीजिए। जैसे आपने कुछ कंटेंट बनाया है हाउ टू चेंज चैनल URL, तो आपको व्यूअर्स को दो लाइन के अंदर ही लिख देना है जो डिस्क्रिप्शन की है उसमें, ताकि जब भी व्यूअर्स मोबाइल के ऊपर या फिर कंप्यूटर के ऊपर देखे तो उसको थंबनेल भी दिखे, आपका टाइटल भी दिखे और साथ में उसको डिस्क्रिप्शन की दो ऊपर की लाइनें जो होती है वो भी दिखे, ताकि उसको पूरा जो ढूंढना चाहते हैं, जो कीवर्ड्स वो ढूंढना चाहते हैं, जो उसके दिमाग में है वो कीवर्ड्स उसको वहीं मिल जाए। एक तो थंबनेल में मिल जाएगा, दूसरा टाइटल में मिल जाएगा, और तीसरा उसे जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है उसकी दो लाइन जो है ऊपर की उसमें उसे उसका कीवर्ड्स मिल जाएगा, तो वो तुरंत उसके ऊपर क्लिक कर लेगा। तो देखिए, मेटा डाटा जो होता है आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ बढ़ाने के लिए, आपकी चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आपको टैग्स के ऊपर ध्यान देना है, आपको थंबनेल के ऊपर ध्यान देना है, आपको टाइटल में ही जो कीवर्ड्स है उसे स्टार्टिंग में लगाना है, साथ में डिस्क्रिप्शन जो दिखता है आपको दो लाइन ही दिखती है या फिर एक लाइन ही दिखती है, तो आपको टाइटल के अंदर जो भी आप समझाने वाला हो या फिर समझाया हुआ वीडियो के अंदर उसे लिखना है, ताकि आपकी चैनल जो है
उसके ऊपर जो वीडियो है उसके ऊपर व्यूज़ आए, यानी क्लिकेबल थंबनेल आपके व्यूज़ आएंगे, अच्छा टाइटल आपके व्यूज़ आएंगे, डिस्क्रिप्शन दिखेगा आपके व्यूज़ आएंगे, और सर्चेबल टैग्स लगाए हैं आपके व्यूज़ आएंगे। देखिए दोस्त, ये सारी टिप्स जो मैं बता रहा हूँ आपको उसे अप्लाई करना होगा। लोग क्या कहते हैं, मेरी चैनल बड़ी हो जाएगी तब मैं इस तरह की टिप्स यूज़ करूँगा, लेकिन जब तक आप इस तरह की टिप्स यूज़ नहीं करोगे आपकी चैनल बड़ी नहीं हो पाएगी, नहीं ग्रो कर पाएगी। तो आप समझ रहे हो मेटा डाटा का कितना इंपॉर्टेंस है आपकी वीडियो के अंदर। तो आप पहले मेटा डाटा के ऊपर काम कीजिए, जैसे ही आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करोगे आपकी वीडियो के ऊपर धीरे धीरे व्यूज़ जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और सब्सक्राइबर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा मेटा डाटा का क्या इंपॉर्टेंस है और मेटा डाटा में किस चीज़ का जो है इंक्लूडिंग है, यानी कि थंबनेल हो गया, आपका टैग हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया, इन सारी चीज़ों का कितना इंपॉर्टेंस है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।